आप देख रहे हैं यूएनटी, मैं हूं रवि शर्मा। जम्मू कश्मीर में पंचायती चुनाव हुए एक साल हो चुका है, उसके बाद की बात करें तो जिस तरह से सरकार द्वारा बैक टू विलेज फेज़ टू भी यहां पर प्रोग्राम जो है वो चलाया गया, और कश्मीर घाटी के अगर सरपंच और पंचेस की बात करें तो लगातार मिलिटेंट्स के द्वारा उन्हें थ्रेट्स जो हैं वो दी जा रही है, जिसके बाद जो सरपंच हैं वो सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं। इस समय मेरे साथ कुछ सरपंच हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो कश्मीर घाटी के अलग अलग जो ज़िले हैं और वहाँ से ये सरपंच जो हैं वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे। मांग इनकी है कि इनको सिक्योरिटी जो है वो प्रदान की जाए। सर, आपका नाम? मेरा नाम अमजद हुसैन है, मैं सरपंच हूँ, मेरा हल्का पेंसगांव है, कुकरनाग से, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में है। तो सर, जिस तरह से सिक्योरिटी की बात आप कर रहे हैं, किस तरह की सिक्योरिटी आपको चाहिए और क्या थ्रेट्स आपको हैं, क्यों आपको लग रहा है कि आपको सिक्योरिटी की ज़रूरत है? देखो, कश्मीर के जैसे हालात हैं हमारे बने हुए हैं, उन हालात की वजह से सरपंच एंड पंचेस एंड बीडीसी वहाँ पे सिक्योर नहीं है। जैसे कि आपको पता ही है कि बैक टू विलेज सेकंड फेज में हमारा एक इंसिडेंट हुआ जिसमें हमारे एक सरपंच की जान गई, अगर वहाँ पे सिक्योरिटी होती तो शायद वो आज हमारे बीच होता, तो उस दुख की वजह से सिक्योरिटी का सबसे बड़ा रीज़न है। तो सेकंड हमारा जो रीज़न है कि वो हमारी जो सैलरी है पंच की 1000 रुपये और सरपंच की 2500, तो उससे कुछ गुजारा होने वाली बात नहीं है। और तीसरा जो हमारा इशू है वो अकोमोडेशन का है, जैसे कि MLAs को अकोमोडेशन मिल जाती है, सिक्योरिटी मिल जाती है, तो उनके पास सैलरी भी अच्छी खासी होती है, तब जाके वो काम करते। अगर आपकी जिस तरह से 2500 रुपया सरपंच की और 1000 रुपया पंच की जो तनख्वाह है, क्या वो आपको सही समय पर पूरे समय पर यहाँ पर मिल जाती है? नहीं, जो हमारी पंच की 1000 रुपया और सरपंच की 2500 रुपया है वो टाइम टू टाइम भी नहीं रिलीज़ होती है, वो सैलरी 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद और 2 महीने के बाद, इस तरह इस फेज स्टेप वाइज समय। जब पंचायती चुनाव हो रहे थे, बहुत सी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने पंचायती चुनाव का बहिष्कार किया था, आप निकल कर सामने आए, आपने एक लोकतांत्रिक तरीके से जो इलेक्शन थे सरपंच के उसमें भाग लिया और आप जीत कर आए, क्या उस समय भी आपको इस तरह की थ्रेट्स आई थी? देखो, काफ़ी सारे थ्रेट तो मिलते रहते हैं, कश्मीर के हालात की वजह से थ्रेट्स मिलते हैं, लेकिन हमने अपने लोग गरीब लोगों की डेवलपमेंट और अपने इलाके की डेवलपमेंट सोच कर हम लोग फ्रंट पे आए, हमने किसी चीज़ का मान लो कि डर नहीं दिल में रखा, और आज जो हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। कुछ और लोगों से बात करेंगे, आपका नाम? मेरा मोहम्मद खुशहाल नाम है, मैं पंजगाम से रहता हूँ, कुकरनाग अनंतनाग से। अनंतनाग से, जिस तरह से नरेगा का एक पैसा, क्योंकि बहुत से मुद्दों को लेकर हम आपसे बात करेंगे, जिस तरह से काफ़ी पैसा जो है वो रिलीज़ किया जाना था, क्या आपकी पंचायत का भी कुछ ऐसा पैसा है वो रिलीज़ नहीं किया गया है, वो पेंडिंग है? और अगर सिक्योरिटी की बात करें तो क्या आपको भी लगता है कि सिक्योरिटी की ज़रूरत है? बिल्कुल, 2 महीने हो गए हम घर गए नहीं जनाब, हमको सिक्योरिटी तो चाहिए, वो हमारा बेचारा एक मार गया, उसकी जान चला गई, तो बाकी तो ऐसे परेशान हैं हम, कहाँ जाएँ, तो जाएंगे, नरेगा का पैसा सब बंद है, क्या करेंगे जनाब, कहाँ जाएँगे? ठीक है, कुछ और लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम परवेज़ अहमद, मैं डिप्टी सरपंच शांगस से। कौन सा ज़िला है आपका? ज़िला हमारा अनंतनाग। अनंतनाग ज़िला से आप हैं, तो सिक्योरिटी की बात करें तो क्या आपको भी कभी थ्रेट्स जो हैं वो आई हैं, आपको भी लगता है कि आपको सिक्योरिटी की ज़रूरत है? नहीं, ये तो पूरे J&K को पता है कि कश्मीर की सिचुएशन क्या है, कश्मीर की सिचुएशन कैसी है, वहाँ पर थ्रेट्स आते रहते हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं सरकार से कि हम जो जिस तरह से आप लोग हमारे सिक्योरिटी के हवाले से या सैलरी के हवाले से या मिसाल किसी डेवलपमेंट के हवाले से बात करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ मसला ही नहीं है, ये बिल्कुल हमारे साथ नाइंसाफियां की जा रही हैं, और हमें जानबूझ के इस दलदल में धकेला गया है, ना हम घर के रहे और ना घाट के रहे, ना हम घर में सो सकते ना रह सकते हैं, तो यही हमारा सबसे बड़ा जो मसला है, हमारा जो सिक्योरिटी का मसला है, हमारे हमें सिक्योरिटी तहफ़ की जाए और हमारी जो सैलरी है इसको इसकी लेवल जो है वो बढ़ाई जाए, और बाकी अकोमोडेशन की बात है, अकोमोडेशन हमारे लिए कहीं पे रखी जाए, जो नोटिफाइड जो सरपंच हैं उनकी जो सैलरी है वो भी अभी तक वागुजार नहीं की गई है, जो ये सैलरी है 1000 या 2000 1005 को और 2500 सरपंच को, ये भी समय समय पे नहीं दी जा रही है, कभी 3 महीने के बाद, कभी 5 महीने के, कभी देखिए सरकारों की बात करें तो सरकारें लगातार ये दावे करती हैं, जो पंचायतें हैं, पंच सरपंच हैं, पंचायतों को सशक्त किया जाएगा, लोगों के काम होंगे, सरकारों के दावे तो बहुत बड़े बड़े हैं, क्या जो दावे कथनी और करनी में आपको फ़र्क नज़र आता है सरकार? ये बहुत फ़र्क है, ज़मीन और आसमान का अंतर है, ये खाली बोलने में आता है लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं है ऐसा, ज़मीनी सतह पे अगर जाएं तो प्रैक्टिकल हम देखेंगे तो ये बिल्कुल कुछ नहीं है, ऐसा कुछ जो सरकार दावे करती है बोलती है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है,
चलिए सर, आपसे मेरा ये सवाल रहेगा कि जिस तरह से सरकार द्वारा अभी बैक टू विलेज सेकंड फेज जो प्रोग्राम है चलाया गया, क्या आपने उस किसी प्रोग्राम में हिस्सा लिया है? जी, मेरे पंचायत में बहुत अच्छे तरीके से 2 दिन का प्रोग्राम रहा और सक्सेस रहा। लोगों की जो डिमांडें हैं, एक बार तीसरी बार लिख के हमने आगे भेज दिए, लेकिन उम्मीद यही है कि वहाँ से जवाब ज़ीरो ही आएगा, जैसे कि आज तक हमारे साथ वहाँ पर होता हुआ है। देखिए, जिस तरह से बैक टू विलेज फेज़ फर्स्ट यहाँ पर चला था, अब फेज़ टू चला है, तो कुछ पंच सरपंच ऐसे थे उन्होंने विरोध इस कार्यक्रम का किया था, इसको फ्रॉड ड्रामा जो था इसको बताया था। आपको क्या लगता है कि जो बैक टू विलेज फर्स्ट प्रोग्राम चला था उस समय जो मुद्दे पूरे नहीं हुए, जो अब आपने दिए हैं, उससे इससे कुछ फ़र्क जो है वो पड़ेगा, जनता के काम होंगे? देखो, जो हमारे पास जो उम्मीद थी वो यही थी कि बैक टू विलेज फर्स्ट का जो रिजल्ट है वो बैक टू विलेज सेकंड में सामने आएगा। जब उस उम्मीद से हमने बाइकाट का मान लो कि असर नहीं होने दिया, हमने ये प्रोग्राम अपना सक्सेस किया, और उस वजह से जब हमारे पास रिजल्ट आया तो वहाँ पर ज़ीरो था, और आज हमारी उम्मीद है जिस वो टूट चुकी है, जिसकी वजह से मैं कश्मीर से जम्मू में हड़ताल करने के लिए अनिल शर्मा जी के साथ शामिल होने के लिए मजबूर हुए और यहाँ आके अपने लोगों की आवाज़ उठाने के क्या लिए। जिस तरह से आल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस जो है प्रेसिडेंट अनिल शर्मा के बैनर तले यहाँ पर भूख हड़ताल करने एक हफ्ते की जा रही है, क्या आप लोग भी उसमें शामिल होंगे? बिल्कुल, हम इसीलिए आए, हम ही नहीं, बहुत सारी कश्मीर प्रोविंस से बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट से सरपंच और सरपंच आ रहे हैं और आए भी हैं, जो कल से इस आंदोलन में शामिल होंगे, इस भूख हड़ताल में शामिल होंगे, और बराबर एक हफ्ते तक ये भूख हड़ताल जारी रखेंगे जब तक हमारे मुद्दे हल नहीं हुए। सर, जिस तरह से सरकार ये कहती है कि पंचायतों को सशक्त किया जाएगा, 100 दिन का रोज़गार जो है वो वहाँ पर मिलेगा, और उसके बाद की बात करें तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि नरेगा की जो पेमेंट है वो हज़ारों करोड़ जो है वो पेंडिंग है, तो क्या अगर लोगों को समय से जो है वो पैसे नहीं मिलेंगे तो क्या लोग वो 100 दिन का रोज़गार लेंगे, वो काम करने के लिए आएंगे आगे? जब भी कोई काम आता है मनरेगा का या 14 फाइनेंस का, हम लेके गांव में या अपने पंचायत में इम्प्लीमेंट करते हैं, काम स्टार्ट करते हैं, तो जिन लोगों का आउटस्टैंडिंग है वो आके वहाँ पे धरना देके बैठ जाते हैं। जब तक हमारा पिछला पैसा बकाया रिलीज़ नहीं होगा तब तक हम कोई काम नहीं होने देंगे। वो हमारे सामने एक बहुत बड़ी दुश्वारी आती है, जो 17-18 का जो पैसा लेबलटी मनरेगा के बकाया है वो पैसा जो है रुका पड़ा हुआ, जिसकी वजह से एक हमारे सामने सबसे बड़ी रिकावट है वो ये चीज़ है कि वो पैसा रिलीज हो तो हम पैसे जो चंद पैसे हमारी पंचायत में आए हैं वो हम यूटिलाइज करके कुछ इलाका डेवलपमेंट कर सकें। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि जिस तरह से अब आप स्ट्राइक कर रहे हैं लगातार, सिक्योरिटी की जो है वो मांग कर रहे हैं, अब जम्मू कश्मीर जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है, अब ये रियासत नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि अब उस तरह की सुरक्षा भी इस यूनियन टेरिटरी में आपको मिलेगी, और जो काम पहले नहीं होते थे अब यूनियन टेरिटरी बनने के बाद वो जल्दी से होंगे? देखो, यूटी बनने के बाद एक चीज़ ये है कि ये चीज़ जाहिर हुई थी कि जैसे पंचायत राज एक्ट अदर स्टेट्स में है तो वही हमारे जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट हुआ है, लेकिन होने के बावजूद ये चीज़ जाहिर नहीं हुई कि जिस तरह बाहर की पंचायतें फंक्शन कर रही हैं सिक्योरिटी हर एक रीज़न से, हमारी जम्मू कश्मीर की जो पंचायतें हैं वो धीरे धीरे फेल हो रही हैं, तो इस चीज़ का हमें काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें हमें पूरी नहीं हुई हैं, तो अब देखते हैं आगे होता है क्या। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ कश्मीर घाटी के अलग अलग ज़िलों के कुछ सरपंच, जिनका साफ तौर से ये कहना है कि उन्हें सुरक्षा की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि कश्मीर घाटी में जिस तरह के हालात हैं और एक लोकतांत्रिक तरीके से उन्होंने अपने लोगों के लिए पंचायती चुनाव में भाग लिया और उसके बाद वो सरपंच जीत कर आए, लेकिन अब उन्हें थ्रेट्स हैं और उन्हें सिक्योरिटी की सख्त ज़रूरत है, और इनका साफ तौर से ये भी कहना है कि जिस तरह से पंचायतों को सशक्त करने की बातें सरकारें करती हैं, सरकारों की कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। कैमरामैन रमन कुमार के साथ रवि शर्मा, UNT जम्मू कश्मीर।